इस वीडियो में हम बात करेंगे 1986 की फिल्म बेटी ब्लू के बारे में, जो कहानी है जॉर्ग नाम के आदमी और बेटी ब्लू नाम की लड़की के रिश्ते की, जहां जॉर्ग बेटी को संभालने की पूरी कोशिश में लग जाता है। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। 30 साल का जॉर्ग फ्रांस में रहने वाला एक बेफिक्र आदमी है, जो बीच पर एक छोटे से घर में रहता है। जॉर्ग का बेटी नाम की एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और एक दिन बेटी ने बताया कि उसे वेट्रेस की नौकरी से निकाल दिया गया है। ये जानकर कि बेटी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, जॉर्ग ने उसे अपने घर में रहने के लिए कह दिया और उन दोनों का रिश्ता पहले से ज्यादा गहरा हो गया। जॉर्ग के पास वैसे तो कोई काम नहीं था, पर वो दूसरों के लिए सहायक का काम करता रहता था और इस काम में बेटी उसका साथ देना चाहती थी। मर्दों की नजर हर वक्त बेटी पर रहती थी, पर इस बात से जॉर्ग या बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें सिर्फ अपने रिश्ते की परवाह थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। जॉर्ग जिस घर में रहता था वो उसका अपना नहीं है, वो जिस आदमी के लिए काम करता है उसी ने जॉर्ग को उस घर में रहने की इजाजत दी है। उस आदमी को लगता था कि बेटी के वहाँ होने से जॉर्ग काम पर ध्यान नहीं देगा, पर ये बात जॉर्ग को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो जानता था उस इलाके के मर्दों को बेटी और जॉर्ग के रिश्ते से तकलीफ है। घर के मालिक ने कहा कि बेटी को सिर्फ एक शर्त पर घर में रहने दिया जाएगा। जॉर्ग और बेटी को वहाँ के सारे घरों को पेंट करना होगा। इस काम के उन्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पर बेटी वहाँ रह पाएगी। पेंटिंग के काम के बारे में सुनकर बेटी को लगा कि उन्हें सिर्फ एक घर को पेंट करना है और वो इस बात से खुश हुई, पर जॉर्ग जानता था कि 500 घरों को पेंट करने का काम नहीं एक सजा है। एक तरफ जहाँ जॉर्ग अपना गुस्सा जॉर्ज पर निकाल रहा था, वहीं दूसरी तरफ बेटी खुशी खुशी इस काम की तैयारी कर रही थी। जॉर्ग उससे ज्यादा मेहनत नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने बेटी को सिर्फ खिड़कियाँ पेंट करने का काम दिया, पर अपना काम पूरा करके बेटी जॉर्ग का भी काम पूरा करने लगी। जॉर्ग चाहे पहले ही दिन बुरी तरह थक गया हो, पर बेटी अब भी थकी नहीं थी और पूरे दिन काम करने के बाद रात को उसी ने जॉर्ग को संभाला। दो दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पहले घर का काम पूरा हुआ और बेटी इस बात की खुशी मनाने लगी। पर फिर वहाँ घरों का मालिक आया और बेटी को पता चला कि उन्हें और भी घरों को पेंट करना है। गुस्से में उसने उस आदमी की गाड़ी पर पेंट फेंक दिया और गालियां देकर वहाँ से चली गई। इस बात के लिए जॉर्ग उससे माफी मांगता रहा, पर जॉर्ग को माफी नहीं मिली। उस रात बेटी ने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि जॉर्ग उन लोगों के नीचे दबकर रह रहा है जो आम लोगों का फायदा उठाते हैं। इसी बात पर उन दोनों की बहस हो गई और गुस्से में बेटी घर की चीजें फेंकने लगी। तब बेटी को कुछ किताबें मिली जिन्हें देखकर उसे पता चला कि जॉर्ग हमेशा से राइटर बनना चाहता था, पर उस सपने को उसने किसी कोने में छुपा दिया। बेटी वो पहली इंसान थी जिसने जॉर्ग की लिखी किताबें पढ़ी और उन किताबों ने बेटी को गहरी सोच में डाल दिया। वो पूरी रात पढ़ती रही और जॉर्ग ये देखकर हैरान हो गया कि अगले दिन तक बेटी ने किताबों से अपनी नजरें नहीं हटाई। वो अकेला काम करने चला गया और इस बीच बिना कुछ कहे बेटी उसकी गाड़ी लेकर कहीं दूर चली गई। दिन भर जॉर्ग काम करता रहा और शाम होते ही उसने बेटी को घर वापस आते देखा। घर लौटने पर बेटी ने जॉर्ग से बात की और कहा कि वो एक जीनियस है जिसे अपनी नॉवल पूरी करनी चाहिए। उसे एक जीनियस मानने के साथ साथ बेटी उसके लिए दुनिया से लड़ भी रही थी, पर कभी कभार वो अपना आपा खो देती थी और उसकी हरकतें देखकर लोग उसे पागल समझने लगे थे। जब उसकी हरकतों के बारे में जॉर्ग से पूछा जाता है तो वो बस इतना कहता है कि बेटी को घर की सफाई करना पसंद है, पर फिर बेटी ने कुछ ऐसा किया जिसने जॉर्ग को भी डरा दिया। अपना सारा सामान बाहर निकाल कर उसने घर में आग लगा दी और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ा। वो दोनों उस इलाके को छोड़कर पेरिस चले गए, जहाँ वो बेटी की दोस्त लीसा के होटल में रहने वाले हैं। लीसा अपने पति की मौत के बाद उस छोटे से होटल को चलाती है और बेटी के आने से उसका अकेलापन दूर होने लगा। जॉर्ग अपने लिए काम ढूंढने लगा और इसमें उसकी मदद लीसा ने की। इस दौरान बेटी जॉर्ग की किताबों की मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करने लगी और इस काम में पूरी तरह गुम हो गई। जॉर्ग को खुद के टैलेंट पर भरोसा नहीं था, पर उसी टैलेंट को बेटी दुनिया के सामने लाना चाहती थी और ये देखकर जॉर्ग को उससे प्यार होने लगा। उस रात जॉर्ग ने भी अपने आप को दूसरा मौका दिया और अपनी लिखी अधूरी कहानी को पूरी करने लगा, पर पूरी कोशिश के बाद भी वो ऐसा कर नहीं पाया। बेटी ने मैन्युस्क्रिप्ट पूरी कर दी थी और ये जानकर जॉर्ग हैरान हो गया, पर अब भी वो डर के चलते नॉवल पब्लिश करवाने के लिए तैयार नहीं था। एक रात वो एक बार में वक्त बिता रहा था कि तभी लीसा का बॉयफ्रेंड एडी होटल में उनसे मिलने आया और कुछ वक्त बाद शराब के नशे में जॉर्ग वहाँ पहुँचा। किसी तरह उसे संभालकर एडी से मिलवाया गया और जल्द ही उन सब की दोस्ती हो गई।
बेटी ने पब्लिशर्स को मैन्युस्क्रिप्ट भेज दी थी, पर चार दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एडी भी होटल में रहने आ गया और वो चारों जी भर के मजे करने लगे। पर बेटी को परेशान देखकर एडी ने उसे कहा कि वो उसे और जॉर्ग को अपने रेस्टोरेंट में काम देना चाहता है। उन दोनों ने जल्द ही काम करना शुरू भी कर दिया और उनकी जिंदगी में सब कुछ सही चलने लगा। पर बेटी एक कस्टमर के नखरों की वजह से एक रात चिढ़ने लगी और उस कस्टमर से बदला लेने के लिए जॉर्ग ने उसके लिए कचरे से भरा पिज्जा बनाया और उस औरत ने वो पिज्जा मजे से खाया। ऐसा होने पर रेस्टोरेंट में शांति थी, पर कुछ वक्त बाद बेटी का फिर से झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने उस कस्टमर को चोट पहुंचा दी। जॉर्ग बेटी को थप्पड़ मारकर होश में लाने की कोशिश करने लगा और किसी तरह उसने बेटी को संभाल लिया। अगली सुबह एडी ने बेटी के बारे में बात की और कहा कि उसे बेटी को देखकर डर लगने लगा था। जॉर्ग ने कहा कि वो सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि जॉर्ग के लिखे नॉवल का कोई जवाब नहीं आया। जॉर्ग ने बताया कि उसे जवाब मिले तो है, पर हर जवाब में उसके काम का मजाक उड़ाया गया है, इसलिए वो ये बात बेटी को नहीं बता सकता। उन चिट्ठियों को छुपाने की पूरी कोशिश की जाने लगी, पर एक दिन किसी पब्लिशर की एक चिट्ठी बेटी को मिल गई और चिट्ठी में लिखी बातें पढ़कर वो परेशान हो गई। उसने जॉर्ग से कहा कि वो उसके साथ डॉक्टर के पास जाना चाहती है, पर डॉक्टर के पास जाने पर जॉर्ग को पता चला कि वो किसी डॉक्टर का घर नहीं बल्कि उसी पब्लिशर का घर है जिसने जॉर्ग की बेइज्जती की है। बेटी उस पब्लिशर को पीटने लगी और उसके पागलपन से जॉर्ग भी परेशान होने लगा। एक दिन काम करके जब जॉर्ग घर लौटा तो उसे लीसा ने बताया कि उन पर पब्लिशर ने एक केस कर दिया है। जॉर्ग पुलिस को समझाने लगा कि बेटी को दौरे पड़ते हैं, पर फिर उसे पता चला कि वो पुलिस वाला खुद एक राइटर बनना चाहता था और वो खुद भी पब्लिशर से नफरत करता है। इसलिए खुशकिस्मती से उसने जॉर्ग से दोस्ती कर ली और पब्लिशर्स को गालियां देने लगा, पर केस अब भी कायम था और उसे रद्द करने के लिए जॉर्ग को उस पब्लिशर से बात करने की जरूरत थी। बिना वक्त गवाए जॉर्ग उसके घर गया और उसे पीटने के बाद उसने केस वापस लेने के लिए उसे धमकाना शुरू कर दिया। उस पब्लिशर को उसकी बात माननी पड़ी। चारों दोस्त इस बात की खुशी मनाने लगे और सब कुछ भुलाकर मजे करने लगे। पर इस बीच एडी के लिए कॉल आया और उसे अपनी माँ की मौत की खबर मिली। उन सब ने एडी को संभाला और अगले ही दिन उसके साथ दूसरे शहर जाने लगे जहाँ एडी की माँ का फ्यूनरल होने वाला है। वो सब उनके घर पहुँचे जहाँ उनकी पियानो की दुकान है और इस परेशानी के वक्त में भी उन्हें हंसी मजाक के पल मिल गए। उस वक्त भी बेटी जॉर्ग को लिखने के लिए कहती रही, पर जॉर्ग जानता था कि जब से उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट मिली है तब से उनकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां आई है। अगले दिन फ्यूनरल खत्म हुआ और कुछ दिनों के लिए वो सब उसी घर में ठहर गए। एक दिन एडी ने कहा कि वो चाहता है जॉर्ग और बेटी उसी घर में रहकर उसकी माँ की दुकान को संभाले और ये करने के लिए जॉर्ग और बेटी दोनों मान गए। उस घर में वो दोनों अकेले रहने लगे और जॉर्ग पहले से ज्यादा सुकून भरी जिंदगी जीने लगा। वो उस नए शहर में जीने की आदत डालने लगा और वहाँ के अजीब से लोगों के बीच उसने एक नई दुनिया बसानी शुरू कर दी। और एक दिन वो बेटी के लिए एक नई गाड़ी खरीद कर लाया। उस गाड़ी को खरीदने के लिए जॉर्ग ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी, पर बेटी के सामने उसके लिए पैसे कुछ भी नहीं थे। उन दोनों के पास सब कुछ था, पर बेटी अब भी खुश नहीं थी क्योंकि जॉर्ग ने लिखना छोड़ दिया था। धीरे धीरे बेटी का बर्ताव बदलने लगा। जॉर्ग की जिंदगी से सुकून गायब होने लगा क्योंकि बेटी को फिर से दौरे पड़ने लगे। वो खुद को और जॉर्ग को चोट पहुंचाने लगी और एक रात चिल्लाते हुए पूरे शहर में दौड़ने लगी। उसे संभालना मुश्किल साबित हुआ और तब उनके बीच पुलिस वालों को आना पड़ा, पर उन्हें संभालने की जगह वो पुलिस वाले एक दूसरे से बहस करने लगे। जैसे ही उन्हें पता चला कि जॉर्ग एडी का दोस्त है, वो उन दोनों को घर ले जाने लगा और उस रात का जिक्र जॉर्ग ने फिर कभी नहीं किया। जल्द ही जॉर्ग दुकान को फिर से शुरू करने की तैयारी करने लगा और अपने नए काम का उत्साह उसे खुशी देने लगा, पर बेटी उसका ध्यान काम से हटाने की कोशिश करने लगी। जॉर्ग की बॉब नाम के एक दुकानदार से दोस्ती हुई और वो उसकी और उसके परिवार की मदद करने लगा। बॉब की पत्नी एनी जॉर्ग के करीब आना चाहती थी, पर जॉर्ग ने उसके करीब आने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ बेटी से प्यार करता है। एक दिन काम से छुट्टी लेकर जॉर्ग बेटी के साथ शहर से दूर गया, जहां उसने आसपास की खूबसूरती दिखाकर बेटी से कहा कि उसने वहां का घर खरीद लिया है और यही बेटी के जन्मदिन का तोहफा है। कुछ दिनों बाद जॉर्ग को एक पियानो डिलीवर करने का काम मिला और वो बॉब के साथ डिलीवर करने निकला, पर बीच रास्ते में उसे रिचर्ड नाम का वही पुलिस ऑफिसर मिला जो उसके सामने उस रात आया था। गाड़ी तेज चलाने के जुर्म में वो चालान काटने ही वाला था कि तभी जॉर्ग ने उससे कहा कि वो पिता बनने वाला है और गाना गाते हुए रिचर्ड ने जॉर्ग को वहाँ से जाने दिया। पर ये झूठ सच साबित हुआ जब बेटी ने जॉर्ग को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात की खुशी मनाते हुए जब वो रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ एक ड्रग डीलर आया और उससे ड्रग्स लेकर जॉर्ग घर लौटने लगा।
ड्रग्स की वजह से वो बेचैन होने लगा और जब उसे नींद नहीं आई तो उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया। वो पूरी रात लिखता गया और अगली सुबह उसने अपनी लिखी नई किताब पब्लिशर्स को मेल कर दी। घर लौटते वक्त वो बेटी के लिए उनके होने वाले बच्चे के कुछ कपड़े लेकर आया। वो दोनों ही उस दिन बेहद खुश थे, पर ये खुशी अगले ही दिन खत्म हो गई क्योंकि बेटी को हॉस्पिटल के टेस्ट से पता चला कि वो असल में प्रेग्नेंट है ही नहीं। इस बात ने जितना बेटी को परेशान किया उतना ही जॉर्ग को भी किया, और जब बॉब ने कहा कि बेटी थोड़ी सी पागल है तो जॉर्ग ने अपना आपा खो दिया। मगर घर लौटने पर उसने जो भी देखा उसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बेटी की हालत देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गया, मगर अगले ही दिन वो उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करने लगा। बेटी अपनी जिंदगी और किस्मत से नाराज थी और अब वो हर वक्त गुमसुम रहने लगी। वो धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ने लगी थी और ये बात लीसा और एडी भी समझ गए थे। एडी के पूछने पर पहली बार जॉर्ग ने अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि अब बेटी डिप्रेशन से गुजर रही है और वो चाहकर भी उसे खुशी नहीं दे पा रहा। बेटी के लिए खुशी ढूंढते हुए जॉर्ग ने एक औरत बनकर एक बैंक को लूटने की तैयारी की। उसने बैंक में घुसकर एक गार्ड को गोली मारी और उन गार्ड को बंदी बनाकर उसने बैंक लूट लिया। पर घर लौटते वक्त उसने बेटी को तेज बारिश में बैठे देखा। बेटी कहने लगी कि मरने के बाद वो चाहती है लोग उससे मिलने आए। ये सुनकर जॉर्ग उसे वहाँ से ले गया और उसे खुश करने की उम्मीद में लूटे हुए पैसे उसने बेटी को दिखाए। पर जॉर्ग भूल गया था कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। कुछ वक्त के लिए बेटी हंसने तो लगी, पर वो उसकी सच्ची खुशी नहीं थी। जॉर्ग उसे अगले दिन समंदर दिखाने ले गया, पर बेटी के दिमाग में अब भी बच्चों की सोच थी। वो इतना खो गई कि मेले में मौजूद एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर बेटी अपने साथ वहाँ से दूर ले गई। घंटों तक जॉर्ग उन्हें ढूंढता रहा और आखिरकार वो दोनों उसे खिलौनों की दुकान में मिले। जल्द से जल्द लोगों के गुस्से से बचाकर जॉर्ग बेटी को वहाँ से दूर ले गया और किसी तरह वो दोनों बच निकलने में कामयाब हुए। पर जॉर्ग जानता था कि बेटी को इन हालातों से बाहर निकालना नामुमकिन है। फिर भी वो आने वाले तूफान का अंदाजा भी नहीं लगा पाया। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर उसने देखा कि बॉब घर में खून साफ कर रहा है और बॉब ने उसे बताया कि बेटी ने अपनी एक आंख निकाल दी है। हॉस्पिटल जाने पर उसे बताया गया कि वो अब ठीक है और सो रही है। कुछ वक्त बाद जॉर्ग ने बॉब को वहाँ से जाने के लिए कहा और अकेला बेटी से मिलने गया। वो बेटी को इस हाल में देख नहीं पाया और नर्स ने उसे अगली दोपहर वापस आने के लिए कहा। अगली सुबह जॉर्ग को एक कॉल आया जहाँ उसे बताया गया कि उसकी लिखी नई किताब पब्लिश की जा रही है। ये खुशखबरी देने जब वो बेटी के पास गया तो उसे पता चला कि बेटी ने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो दिया है। वो उसे इस तरह देखकर परेशान हो गया और तब डॉक्टर ने उसे बताया कि सदमे की वजह से ऐसा हुआ है। वो बेटी को घर ले जाने की जिद करने लगा और इसीलिए उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया गया। जॉर्ग ने अपना सब कुछ खो दिया, पर अब भी वो हार नहीं मानना चाहता था। भेष बदल कर वो हॉस्पिटल में घुसा और बेटी के पास जाकर बैठ गया। वो घंटों तक बेटी से बातें करता रहा और वो बेटी को इस हालत में और देख नहीं पाया। अपने प्यार को आखिरी बार अलविदा कहकर जॉर्ग ने उसे इस तकलीफ से मुक्त किया और हॉस्पिटल से निकलकर घर की ओर बढ़ा। अंत में अपने अकेलेपन और बेटी की यादों के साथ जॉर्ग दिन रात उसी घर के अंदर रहने लगा और बेटी के सपनों को पूरा करते हुए उसने किताब लिखना शुरू किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।